بسم الله الرحمن الرحيم جيت كمشن راجولي جناب اور اسسٹنٹ کمشنر گورنمنٹ جناب کریم ریڈی صاحب پروگرام آفیسر اس کے علاوہ کھنا منی کے کرنا سر میں کھنا منی پر دل کی ہوگی پیارا سے ویلکم کرتا ہوں اور امید کام مانگا جو ہونے کی وجہ سے کام بند ہے دوسرا جو ہے اردو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں لوگوں کو کافی اٹریکٹ اور امید ملی ہیں جو لے کے ڈسٹرکٹ ٹیکس بجٹ کے جو میں کہتا ہوں اور 100 करोड़ का खर्चा हम लोगों को करना है और जायज करना है और 900 करोड़ के करीब हमारे जिले के अंदर टोटल हमारा जो बजट है वो 1 साल का है। मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप नरेगा के काम जितने भी हैं, नरेगा का काम है आपने काम मांगना है और हमने काम देना है 100 दिन। पिछले साल औसतन 50 दिन का काम इस इलाके में हुआ है, मतलब आप लोगों ने 50 दिहाड़ियां लगाई हैं। मैं चाहता हूं कि आप 100 से 100 दिन लगाएं, जल्द अज जल्द ये काम करें, वाटर कंजर्वेशन के काम करें, उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन के काम करें, प्लांटेशन करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप लड़कियों के यहां 25,000 लड़कियां उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, मैंने उनसे बात की, इंटरेक्ट किया, वो लड़कियां मिलकर कुछ ना कुछ काम एक्टिविटीज करेंगी ताकि इनकम जो है वो जनरेट हो जाए। आप उनके ऊपर पंचायत की बहुत जिम्मेवारी आप देखें, तेजस्वनी स्कीम के तहत लड़कियां लोन लेकर सॉफ्ट लोन मिलेगा, कोई भी कारोबार शुरू कर सकती हैं, आप वो स्कीम का फायदा उठाएं। कि जिले के अंदर डेयरीज में लगाना चाहता हूं, 5-6 हजार का लिस्ट मैंने बनाई है, सरकार को भेज दिए है, डेयरीज लगाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी हुई चीजें यहाँ इसकी फैक्ट्री लगाएंगे ताकि आप लोगों की आमदनी यहाँ बढ़े। ग्रीन इंडिया, आपने पेड़ लगाने हैं पंचायत के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ देंगे, जितने मर्जी पेड़ आस पास पेड़ लगाइए, हॉर्टिकल्चर के पेड़ लगाओ आप। अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंने इसी इलाके में शुरू किया है, ट्रायल लगाया, 1.5-2 साल के अंदर वो पेड़ आपको फल देगा 1.5 पेटी, और उसके बाद आपका कुछ नहीं जाएगा, बैंक वाले किस तब देंगे जब आपका वो फलदार पौधा फल, 1 रुपया 12 रुपये साल के, 330 रुपये साल के, और एक जगह 240 रुपये देने उम्र के हिसाब से आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। वो सारी स्कीम लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू मिलकर जो करके 100% और सरपंच के ऊपर जिम्मेवारी है, अपने इलाके में सारे लोगों का नाम दर्ज करवाएं, 1 महीने के अंदर हमको सबको करना है, लेबर है वो अपना नाम दर्ज कराए, सरकार आपको फायदा देना चाहती है। इस वक्त सरकार की बहुत सारी स्कीमें आपकी फल और बहबूदी के लिए हैं, सरकार आप तक पहुंचना चाहती है, इसलिए मैं यहां आया हूं कि मैं आप खुद डीसी आपको अपनी जबान से बोले और आप उसके ऊपर यकीन करकर दूसरे दिन टीम द्वारा स्कूल में लाना है, उसको किस किस्म का पढ़ाना है वो हम बाद में बताएंगे, पहले उसका नाम दर्ज कराओ, उसको किताबें दिए जो देंगे उसका, लेकिन ये सोच में लोगों को मुलाकात का टाइम दिया और यहाँ के ऑफिसर्स के थ्रू और एजेंसी के थ्रू यहाँ के इलाके की के वसाइल की फहरिस्त अपने पास मंगाई। मेरे पास 13 तहसील्स हैं, तो आप ये मान लीजिए कि औसतन 1 महीने में तहसील में जाऊं तो फिर भी मुझे 13 महीने किसी न किसी तहसील में जाने के लिए लगेंगे, लेकिन थाना मंडी में 10 महीने से पहले में आया। ये भी एक सच है कि जब मैं यहाँ पहली बार आया था तब मुझे जिले में सिर्फ 3 दिन हुए थे शायद आए हुए, और मैं ऑनरेबल एडवाइजर फारूक खान साहब के साथ अकंपनी कर रहा था, और मैंने ये भी कहा था कि आज ये कोई तकरीर नहीं है क्योंकि जिले के बारे में मुझे कुछ वाकफियत नहीं है, लेकिन जो आपने उस दिन मसाइल उठाए थे वो मैंने नोट किए थे, जिसमें सबसे बड़ा मसला आपका रोड का था, आपकी देरी ना मांग थी कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है, रोड के ऊपर सुस्त काम इसके प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है और एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर लॉन्च नहीं हो रहा है काम। हमने आपकी मदद से, आपके अपने ऑफिसर्स की मदद से कोशिश की और यहाँ आपके सामने आज रोड का काम चल रहा है। रोड का काम मैंने 3-4 बार देखा, मैंने एक बार रात को भी आके देखा, काम तसल्ली बख्श है,
सख्त कटिंग का काम फास्ट हो रहा है। जैसे आपने कहा चंद रोज पहले आपस में ठेकेदार जो लोग हैं कॉन्ट्रेक्टर्स उनके आपस में कुछ ये काम है। मैंने आज ही ये फीडबैक मुझे आया है, मैंने कॉन्ट्रेक्टर को तलब किया है और रात को मेरी मीटिंग होगी और मैं देखूंगा कि काम में दोबारा से बेहतरी लाई जा सके। मेरे स्टेट कमिश्नर रेवेन्यू जिनके पास औकाफ का चार्ज है उन्होंने इसको रेस्टोर करने में मुझे अभी तक खबर आ गई है कि रेस्टोर हो गई है। अब आप ये चाहते हैं कि अन इंटरप्टेड और हमारा भी सपना है कि यहाँ अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई लाइटें रात को भी लोग पैदल जाकर शादा शरीफ जो है जा सकें वो हम मुमकिन बना देंगे। एमजी नरेगा मटेरियल का 18 करोड़ रुपया मुझे रिलीज करना था और मैंने जानबूझ के वो रिलीज नहीं किया था। मैं चाहता था कि ये पैसा जो है जिसने काम किया है उस तक पहुंचे। छानबीन मैंने की, आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने उसको कुछ शर्तें डालकर रिलीज किया है और ये उम्मीद की है सब लोगों से कि जो भी आपका मटेरियल सप्लायर होगा एक्चुअल जिसने राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कोचिंग फॉर 11th, 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स विद वैलीज टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड। विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। कॉल ऑन 9622888333 9469888333।